तपती हुई गर्मी में अगर ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, और अगर वो आइसक्रीम घर की बनी हो तो कहना ही क्या। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी, परफेक्ट और केवल 5 to 7 मिनट्स की कुकिंग से बनने वाली वनीला आइसक्रीम की रेसिपी। और मेन थिंग, मैं इसमें आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी भी आइसक्रीम इस तरह की क्रीमी और रिच फ्लेवर में बने। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाएं, अदरवाइज चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ भी इस तरह सर्व कर सकते हैं। और इसमें जो चॉकलेट सॉस है वो होममेड है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने अलग से अपलोड करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। आइसक्रीम बनाने के लिए 1 कप फुल क्रीम मिल्क लेंगे, 250 ml है ये। इसमें 1/4 कप शुगर डालेंगे। आइसक्रीम में हम व्हिप क्रीम यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसमें सॉफ्टनेस भी आएगी, साथ ही में आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और टेस्ट भी एनहांस होगा। इस तरह आप इसे एक ही तरफ चलाते हुए मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना बने। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे एक उबाल आने तक। अगर साइड में इस तरह मिल्क लगे तो आप उसे मिक्स करते रहें ताकि काफ़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी का मिक्सचर तैयार हो। अप्रोक्स 3 मिनट्स के बाद इसमें एक बॉयल आ चुका है, तो अब हम कॉर्न स्लरी तैयार करते हैं। उसके लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लें, इसमें 1/4 कप पानी डालकर मिक्स करें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। जब आप इसे मिल्क में डालें तो ध्यान रखें गैस की फ्लेम लो हो, और आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करें ताकि बिल्कुल लम्स ना बने और ना ही कॉर्नफ्लोर जाकर पैने में चिपके। अब आप गैस की फ्लेम लो कर लें और इस तरह इसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए डालें। फ्लेम को मीडियम कर लें और इस तरह इसे कंटिन्यू चलाते रहें। केवल 2 या 3 मिनट में आप देखेंगे मिक्सचर इस तरह थिक कंसिस्टेंसी में आ जाता है। अगर आप मिल्क की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो टाइम भी उस अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होगा। इस तरह आप मिक्सचर को कंटिन्यू चलाते रहे। हमें इस बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, केवल इतनी कंसिस्टेंसी आने तक ही इसे पकाएं। इसमें बॉयल भी आ चुका है तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर इसे मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को हमें अब ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए भी आप इसे हर कुछ सेकेंड के बाद इस तरह चलाएं। अगर आप इसे इस तरह चलाते हुए ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बैटर अब रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और स्मूथ है। तो इसी तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को डालेंगे। अगर पोर करते टाइम इस तरह एयर बबल्स बने तो आप स्पून से इन्हें मिक्स कर लें। अब इसे फॉइल पेपर या क्लिंग रैप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे पैक करेंगे ताकि इसमें एयर न जाए और ना ही आइस क्रिस्टल्स बने। और पैक करते टाइम आप ध्यान रखें क्लिंग रैप या फॉइल जो भी हो उसे आप इस तरह आइसक्रीम से टच करके रखें। अब कंटेनर को चारों तरफ से सील कर देंगे और इसे लिड से कवर करेंगे। अब आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखेंगे 7 to 8 आवर्स के लिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट रखें तो ये और अच्छे से फ्रीज होगी। आफ्टर 8 आवर्स मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब रैप को हटा देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं इस पर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं और बहुत ही परफेक्ट क्रीमी सॉफ्ट और स्मूथ आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब इस तरह स्कूप से निकालकर हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपके पास स्कूप ना हो तो आप इसे नाइफ से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हमारी परफेक्ट वनीला आइसक्रीम तैयार होती है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितनी परफेक्ट और क्रीमी टेक्सचर में बनी है ये। एंड द मेन थिंग, हमने इसे इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाया है, यानी कि हमने इसमें ना ही फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, ना ही व्हिप क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क। तो अब जल्दी से आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिए, और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो इस तरह से इस पर चॉकलेट सॉस या स्ट्रॉबेरी सॉस भी डालकर सर्व कर सकते हैं, इसका स्वाद और बढ़ेगा। और हाँ, ये चॉकलेट सॉस घर पर बना हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने अलग से अपलोड करी है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।